नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं। आज का टॉपिक हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसे हम हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक, आज हम इस सारे टॉपिक को आराम से समझेंगे। ये एक पूरी यूनिट है जिसमें हम काफ़ी सारे बच्चों को बारे में जानेंगे, जैसे जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे होते हैं, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए या फिर डिसेबल बच्चे हो गए। ठीक, तो इस यूनिट में जो है हम पूरी इस यूनिट को हम पूरी को करीबन कुछ क्लासेस लेंगे थोड़ी, बट आज जो है हम पहला पार्ट शूट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने पॉइंट पर ही आते हैं। ठीक, तो अगर आपने अभी मेरी जो पहली वीडियोस बनाई हुई हैं, जो KVS स्पेशल जो हम सीरीज़ लाए हैं, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए जा करके, आपको बहुत हेल्पफुल मतलब आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी वो। ठीक दोस्तों, तो चलिए सीधा अपने पॉइंट पर आती है। और एक बात और कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन को समझें इससे पहले हम ये कुछ चार टर्म्स हैं, मतलब बच्चों के एडमिशन के बिहाव पर एजुकेशन को चार भागों में डिवाइड किया गया है। क्या, एक सेकंड में आपको ऊपर लाकर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजुकेशन दिखाई गई लिखी हुई है कुछ चार प्रकार की। वैसे तो एजुकेशन को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी नॉन फॉर्मल और तीसरी होगी इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, जिसे हम हिंदी बोलते हैं औपचारिक और गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, लेकिन आप बच्चों के एडमिशन के हिसाब से, मतलब आप बोल सकते हैं कि किन किन बच्चों को किस तरीके से शिक्षा कहाँ पर दी जाएगी, इसके हिसाब से एजुकेशन को चार भागों में डिवाइड किया है। एक है हमारा नॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, दूसरी है स्पेशल एजुकेशन, तीसरी है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाला फॉर्मूला आया था, फिर उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन वाला मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का जो फॉर्मेट था वो आया था। ठीक, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जाने इससे पहले हमें इन सभी एजुकेशन के टाइप्स के बारे में जानना होगा। तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। पहले नॉर्मल एजुकेशन क्या है। नॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत जो है उन सभी बच्चों को जो नॉर्मल बच्चे थे, ठीक, जिनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना तो वो मेंटली डिसेबल थे, ठीक, और ना ही वो फिजिकली डिसेबल थे, ना ही इकोनॉमिकली ना सोशली। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है उनमें उन बच्चों में कोई कमी नहीं होती थी। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते थे जिनमें कोई कमी नहीं होती, तो उनको एक नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी एक नॉर्मल स्कूल में, एक नॉर्मल क्लासरूम में। ठीक, तो ये आ जाती है हमारी नॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। बट हम यहाँ पर बात करें स्पेशल एजुकेशन की। स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जो है उन बच्चों को शामिल किया जाता था जिन्हें किसी न किसी स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक, या फिर वो किसी न किसी तरीके से एक तरीके से लोगों मतलब बच्चों में स्पेशल थे। स्पेशल कहने का मतलब यहाँ पर ये है, या तो वो डिसेबल हो सकते हैं या फिर वो गिफ्टेड हो सकते हैं। ठीक, या तो वो डिसेबल हो सकते हैं, किसी चीज़ की उनमें कमी हो सकती है, या फिर नॉर्मल बच्चों से वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो वो बच्चे आ गए स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, उन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक, तो जब नॉर्मल और स्पेशल एजुकेशन का फॉर्मेट पहले फॉलो किया जाता था, तो एक ज़रूरत उठी। मतलब क्या होता था कि जो स्पेशल बच्चे थे उनको एक जो डिसेबल बच्चे थे, जो अक्षमता वाले बच्चे होते थे, तो उनको एक हीन भावना का सामना करना पड़ता था कि मतलब वो समझते थे कि मैं इन बच्चों से कम हूँ। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए एक फॉर्मेट आया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, जिसे हम हिंदी में एकीकृत शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकीकृत शिक्षा बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक, इसे तो इसके बाद जब स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन के बीच में जब इस खाई को पाटने के लिए बोल सकते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जो IEDC एक्ट 1974 में आया था। IEDC एक्ट 1974 के तहत इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लागू किया गया था। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो थी, ये तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा वो थी जिसमें सभी बच्चों को
समान रूप से, मतलब सभी बच्चों को शिक्षा एक साथ एक ही क्लासरूम में और एक ही स्कूल के एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब सभी बच्चों को जो है एडमिशन, हर बच्चे को, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, या फिर वो कोई फिजिकली डिसेबल हो, या फिर इकोनॉमिकली डिसेबल हो, या फिर वो मेंटली डिसेबल हो, ठीक, तो जो मानसिक रूप से अक्षमता वाले बच्चे हो, या फिर संज्ञानात्मक रूप से अक्षमता वाले बच्चे हो, ठीक, तो सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात करती थी हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो थी सभी को समान रूप से एक क्लासरूम में तो ले आई, बट क्या था, इन सभी बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो थे वो स्पेशल क्लासरूम में किया जाते थे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था कि जिन बच्चों की स्पेशल नीड होती थी, जिनको किसी ना किसी स्पेशल हेल्प की जरूरत होती थी, तो उनको उनके लिए स्पेशल हेल्प जो है एक स्पेशल क्लासरूम में ही प्रोवाइड कराई जाती थी, ना कि उसी क्लासरूम में जहाँ पर बच्चों को उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक, उस क्लासरूम में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके उनके लिए अलग से एक क्लासरूम की व्यवस्था की जाती थी। ठीक, तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन था। तो इसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को एक अपने आप में एक कमी सी महसूस होने लगी थी कि मतलब हम जो है हम दूसरे लोगों से कमतर हैं। ठीक, तो उसके बाद जो लाया गया था, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में होता क्या था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे को सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना होता था। मतलब जिस तरीके का सिस्टम स्कूल में फॉलो किया जा रहा था, उस डिसेबल बच्चे को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होता था। ठीक, फिर इसी कमियों को देखते हुए उसके बाद लाया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम समावेशी शिक्षा हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो आप इन तीन चीज़ों को समझ गए हैं, नॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है क्या। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, ये किस चीज के बारे में बात करता है, ठीक, और इसमें क्या क्या बातें हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसे हम हिंदी में जो है हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं समावेशी शिक्षा। ठीक, तो ये समावेशी शिक्षा हो गया। ये बात करता है, एक सेकेंड, ये बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल विद स्पेशल प्रोविजंस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, वो सभी के लिए समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात करता है। ठीक, और विद स्पेशल प्रोविजंस मतलब जिस बच्चे को, जो डिसेबल बच्चा है, अगर उसके कोई स्पेशल नीड है, अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, अगर उसे किसी स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, तो उस बच्चे को वो हेल्प उसी क्लासरूम में जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जा रहा है, वहीं पर उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा टीचर के द्वारा। ठीक, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि सभी बच्चों को, अगर किसी बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो स्पेशल प्रोविजंस भी उसके लिए उसी क्लासरूम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरीके से बोलते सकते हैं कि ऐसी शिक्षा थी जहां पर सामान्य बालक, मतलब जो नॉर्मल चिल्ड्रन थे, और विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे या तो वो ज्यादा हाई आईक्यू लेवल वाले हो सकते हैं, या वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं, ठीक, या फिर वो जो नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है उससे भी कम आईक्यू लेवल के बच्चे हो सकते हैं। ठीक, जैसे मंदबुद्धि बच्चे, अंधे बालक, बहरे बालक, या फिर ठीक, अगर हम 140 प्लस के आईक्यू लेवल की बात करें, तो उसमें प्रतिभाशाली बच्चे और गिफ्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल नीड प्रोवाइड कराई जाती थी उसी क्लासरूम में, उस जहाँ पर बच्चों को सभी को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या था कि सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या फिर विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे हों, तो उनको जो है एक साथ शिक्षा देने के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं थी, उन पर भी ध्यान दिया जाता था। ठीक, ऐसा था इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक तो नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे, और उनके साथ साथ विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, ठीक, उनको भी एक साथ रह करके पढ़ाया जाता था वहाँ पर। तो क्या था, जिन बच्चों को स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो उनको वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए थे उनकी स्पेशल हेल्प के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर एक थॉट है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रकृति का नियम है, वो भी अलगाव के नियम के खिलाफ है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति के नियम के खिलाफ भी अलगाव की प्रक्रिया जो है हमारी प्रकृति के खिलाफ है। ठीक, प्रकृति के खिलाफ किस तरीके से, जैसे आप सभी जानते हैं कि चाहे प्रकृति जो सभी को समान रूप से सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। देखिए, सूरज हो, जैसे
अगर लेकर हम चलें सूरज को, तो सूरज क्या करता है, वो सभी को समान रूप से धूप देता है, ठीक। नदियां हो वो समान रूप से सभी के लिए बहती हैं, सभी के लिए पानी प्रोवाइड कराती हैं। पेड़ पौधे हो सभी के लिए समान रूप से वृक्ष फल देते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जो है कहता इसी मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जो अलगाव की जो प्रक्रिया है, सेग्रीगेशन को हिंदी में हम अलगाव बोलेंगे, ठीक। तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के नियम के खिलाफ भी है ये अलगाव की प्रक्रिया, मतलब अलग थलग करना भी, अलग थलग जो है हमारी प्रकृति भी नहीं करती है, ठीक, चीज़ों में या फिर लोगों में। तो यहीं पर इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था और इसको ज़्यादा मजबूत किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में था कि एजुकेशन फॉर ऑल बट नो स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर ऑल तो ठीक, मतलब सभी बच्चों के लिए शिक्षा तो थी, लेकिन जिन बच्चों को स्पेशल हेल्प की जरूरत पड़ती थी उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस उन डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं किए गए थे, ठीक। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा किया गया कि स्पेशल प्रोविजंस उन स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए की गए, ठीक। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो आई थी वो आई थी IEDC एक्ट 1974 के तहत, जिसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक्ट 1974 बोलते हैं, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल बच्चे, एक होते हैं बच्चे जिन्हें हम हिंदी में सामान्य बच्चे बोलेंगे, ठीक। और दूसरे की बात करें, दूसरे बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे। देखिए स्पेशल बच्चों में हम दो बच्चों को रख सकते हैं, एक तो देखिए या जो तो एक होते हैं गिफ्टेड बच्चे, स्पेशल बच्चे एक तो गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, या फिर जिनका IQ लेवल नॉर्मल से भी कम है, मतलब जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है वो स्पेशल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। नॉर्मल बच्चे तो वो जिनका नॉर्मल IQ होता है, जिनका 90 से लेकर के 110 के बीच में IQ लेवल होता है, वो नॉर्मल बच्चों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। लेकिन बात करें हम यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रंस की, तो स्पेशल चिल्ड्रंस वो होते हैं जिनको किसी न किसी स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है। देखिए अगर बच्चा गिफ्टेड होगा तो उसके लिए भी स्पेशल हेल्प की जरूरत होगी, ठीक। अगर बच्चा मेंटल रिटार्डनेस है, अगर उस किसी बच्चे में अगर किसी तरीके की कोई अक्षमता है, कोई वो या तो किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर मेंटली डिसेबल है, तो उसके लिए भी स्पेशल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इन दो प्रकार के बच्चों को, जिनका हाई IQ लेवल है, मतलब 140 प्लस के IQ लेवल वाले बच्चों को स्पेशल बच्चों के अंतर्गत रखा जाएगा, और जिनका IQ लेवल नॉर्मल से भी कम है, जिन बच्चों का जो IQ लेवल नॉर्मल से भी कम है, मतलब 90 से लेकर के 110 का जो IQ लेवल है वो नॉर्मल के अंतर्गत आता है, ठीक, अगर इससे भी कम है तो वो भी बच्चे जो है स्पेशल मतलब स्पेशल चिल्ड्रन के अंतर्गत ही रखे जाएंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, मतलब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन हमें, मतलब हिंदी में इन्हें प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं, ठीक। अ चाइल्ड हु इज नेचुरली एंडाउड विद A child is naturally endowed with a high degree of general mental ability or extraordinary ability in specific field. देखिए gifted बच्चे कौन होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो naturally, मतलब प्राकृतिक रूप से उनका जो सामान्य मानसिक क्षमताएं जो होती हैं उनकी, मतलब हाई होती है, मतलब कहने का उच्च मानसिक क्षमताएं होती है उनकी, सामान्य तौर पर जो उनकी मानसिक क्षमताएं होती है वो उच्च होती है, और एक किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी ना किसी एक विशेष क्षेत्र में उनकी जो एबिलिटी होगी, उनकी जो क्षमता होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। क्या होगी, किसी स्पेसिफिक फील्ड में या तो उनकी एबिलिटी जो होगी किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ठीक मुकाबले कंपेयर टू अदर्स, ठीक, या फिर उनकी जो जनरल मेंटल एबिलिटीज होगी उसकी जो मात्रा होगी वो हाई होगी, ठीक। तो इनको जो है गिफ्टेड बच्चों को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। एक तो वो जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन होते हैं, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, एक तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन हो सकते हैं, दूसरे क्रिएटिव चिल्ड्रन, मतलब जो नवाचार को प्रमोट करते हैं, मतलब जो नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक, और तीसरे होते हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन, जिसमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर के कोई ना कोई टैलेंट है, तो वो बच्चे टैलेंटेड चिल्ड्रन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। गिफ्टेड चिल्ड्रंस को, प्रतिभाशाली बच्चों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन, दूसरा है क्रिएटिव चिल्ड्रन, और तीसरा है टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम देयर पीयर्स इन मैनी वेज, नॉट ओनली इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ऐसा सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो अपने पीयर्स ग्रुप में, पीयर्स ग्रुप आप सभी जानते हैं, पीयर्स ग्रुप वो होता है, पीयर्स का जो ग्रुप होता है वो सहपाठी समूह का जो ग्रुप होता है वो होता है, मतलब उसमें पीयर्स में वो सभी बच्चे आते हैं जो मतलब उसके साथ रहते हैं, जो समूह साथी नहीं होते वो बच्चे पीयर्स ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं अपने पीयर्स ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसके पीयर्स ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनसे उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब अपने समूह सहपाठी ग्रुप से ग्रुप के बच्चों से उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो तो ज़्यादा होती ही होती है, मतलब उसकी बुद्धि तो ज़्यादा होती ही होती है, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी तरीकों से भी उन बच्चों से अलग होता है। ठीक, इसको जो है काफ़ी सारी चीज़ों में उसको बोर्डम भी फील होने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्टेड बच्चे क्या हो सकते हैं, किस तरीके के इनका इनका बिहेवियर होता है, ठीक, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, आगे जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हम कुछ रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में जान लेते हैं, कुछ स्टडी की गई थी कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा गिफ्टेड बच्चों से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। इन 1921 लुईस टर्मन इनिशिएटेड अ स्टडी ऑफ मोर देन 1500 गिफ्टेड चिल्ड्रन विद आईक्यू हायर देन 140। ठीक, 1921 में मतलब 1921 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस टर्मन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। 1921 में लुईस टर्मन नाम के एक व्यक्ति ने एक अध्ययन किया था, मतलब एक स्टडी की थी जिसमें ये स्टडी जो थी वो 1500 से ऊपर गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर की गई थी, मतलब 1500 गिफ्टेड चिल्ड्रन इन्होंने 1500 गिफ्टेड चिल्ड्रंस के ऊपर इन्होंने एक स्टडी की थी जिनका हाई आईक्यू लेवल था 140 प्लस, जिनका जो आईक्यू लेवल था 140 था, मतलब 140 एंड अबव था। ठीक, ही ऑब्जर्व दैट दे हैव ग्रेटर ड्राइव टू अचीव अलॉन्ग विद ग्रेटर मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट एज कम्पेयर विद नॉन गिफ्टेड। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनके अंदर जो अपने गोल को पाने के लिए जो ड्राइव होती है, ड्राइव एक तरीके से बोल सकते हैं कि आग, अपने मतलब अपने पैशन को पाने के लिए जो आग होती है इन बच्चों के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर बच्चे, मतलब कंपेयर टू नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे गैर प्रतिभाशाली बच्चे हैं इन बच्चों के मुकाबले, गैर प्रतिभाशाली बच्चों के मुकाबले प्रतिभाशाली बच्चों में इन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी स्टडी में 1921 में लुईस टर्मन ने कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनका जो अपने गोल के प्रति जो आकर्षण होता है, अपने गोल को अपने लक्ष्य को जो पाने की एक तरीके से आग होती है वो उन बच्चों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा होती है जो गिफ्टेड नहीं है। ठीक, इसमें 1921 में जो लुईस टर्मन ने स्टडी की थी इसका जो कंक्लूजन निकल कर आया था ये निकल कर आया था कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो अपने गोल को अचीव करने में ज़्यादा, मतलब नॉन गिफ्टेड बच्चों से ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं उनमें आग होती है। ठीक, तो चलिए उसके बाद सेकेंड स्टडी की गई थी इन अर्ली 20th सेंचुरी, साइकोलॉजिस्ट लेटा हॉलिंगवर्थ ये एक महिला थी। ठीक, इन अर्ली 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट लेटा हॉलिंगवर्थ फाउंड दैट चिल्ड्रन विद आईक्यूज ग्रेटर देन 180 वर सेंसिटिव देन पीयर्स एंड ऑफन सफर्ड फ्रॉम प्रॉब्लम सच एज बोर्डम एंड रिजेक्शन बाय देयर पीयर्स। यहाँ पर कहा गया है, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, इन अर्ली 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट लेटा हॉलिंगवर्थ इन्होंने भी एक स्टडी की थी 20th सेंचुरी में, जो साइकोलॉजिस्ट थी लेटा हॉलिंगवर्थ इनका नाम था, इन्होंने पाया कि जो चिल्ड्रन होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 180 प्लस होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 180 प्लस है या फिर 180 ही है ये जो है सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं मुकाबले अपने पीयर्स के, मतलब अपने पीयर्स ग्रुप के जो उसके मतलब उसके उनके साथ जो रहने वाले बच्चे हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे ये एक तो बोर हो जाते हैं जल्दी अगर इनको अलग अलग नई नई चीज़ें अगर इनको करने के लिए ना दी जाए, अगर इनको सेम ही चीज़ें रिपीट कराई जाएँ तो ये क्या है एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बोर फील करने लगेंगे। ठीक, और इनको जो है रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, मतलब अपने पीयर्स ग्रुप से इन्हें रिजेक्शन की भावना, इन्हें रिजेक्शन मिलता है। ठीक,
किसने कहा था, लेटा हॉलिंगवर्थ ने कहा था, इन्होंने स्टडी की थी 20th सेंचुरी में, इन द अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने पाया कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं अक्सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनको जो है अपने सहपाठी ग्रुप के द्वारा इनको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक, या फिर ये अपने सहपाठी ग्रुप के साथ जो है जो जो एक्टिविटीज़ पहले की गई है अगर इन्हीं उन्हीं एक्टिविटीज़ को दोबारा दोहराया जाएगा तो एक तरीके से ये जो बच्चे होंगे गिफ्टेड बच्चे जो होंगे इनको बोर फील हो सकता है, ठीक। चलिए उसके बाद थर्ड स्टडी की बात करें तो इन द लेट 20th सेंचुरी द टर्म एसिंक्रोनी, एक सेकेंड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इन लेट 20th सेंचुरी द टर्म असिंक्रोनी वॉज यूज टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मीन्स देयर मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज में ऑल डेवलप एल एट डिफरेंट पेसिस। 20th सेंचुरी में एक टर्म यूज़ की गई थी इन गिफ्टेड बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक एक टर्म यूज़ की गई थी जिस जो क्या थी वो थी असिंक्रोनी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अतुल्यकालिक, ठीक। एक टर्म यूज़ की गई थी गिफ्टेड बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए 20th सेंचुरी में, वो टर्म थी कौन सी, असिंक्रोनी, जिसे हम हिंदी में अतुल्यकालिक बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या था, विच मीन्स देयर मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज में ऑल डेवलप एट डिफरेंट पेसेस। यहाँ पर ये असिंक्रोनी जो टर्म है इसका कहने का मतलब ये था कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी जो मेंटल फिजिकल इमोशनल और सोशल एबिलिटीज होती है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग गति से डिफरेंट पेसिस में इनका डेवलप होगा। इनकी जो गिफ्टेड बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज़ होंगी, फिजिकल एबिलिटीज़ होंगी, इमोशनल एबिलिटीज, सोशल एबिलिटीज होंगी, इन सभी एबिलिटीज़ का जो डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग गति से डिफरेंट पेसिस में होगा, ठीक। गति बोलेंगे, पेसिस मतलब गति, ठीक, डिफरेंट पेस, ठीक। चलिए ये तो होगी हमारी स्टडीज़ के बारे में बात, ठीक। लुईस टर्मन जो थे इन्होंने 1921 में इन्होंने एक स्टडी की थी 1500 बच्चों के ऊपर, इसको याद रख सकते हैं आप। और उसके बाद 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट लेटा हॉलिंगवर्थ ने 180+ आईक्यू वाले बच्चों के ऊपर इन्होंने स्टडी की, ठीक, और इन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए थे। फिर उसके बाद एक लेट 20th सेंचुरी में एक टर्म यूज़ की गई थी असिंक्रोनी नाम की, जो जिसके जिसके थ्रू गिफ्टेड बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया गया था, ठीक। चलिए पॉजिटिव जो थॉट्स हैं और मतलब पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसके बारे में, और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक, लर्न्स न्यू इन्फॉर्मेशन क्विकली। तो क्या होता है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को जल्दी ही सीख जाते हैं, ठीक। एंड उसके बाद बात करें तो सेकंड है रिटेन्स इन्फॉर्मेशन इजीली, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को मतलब फ्यूचर के लिए बनाए रखते हैं अपने पास, ऐसा नहीं कि आज याद रखा मतलब आज याद रखा कल भूल गए, ठीक, तो ऐसा नहीं होता। ये जो इन्फॉर्मेशन को ईजिली बनाए रखते हैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, ठीक। मास्टर रीडिंग स्किल्स अर्लियर, इनके अंदर जो है गिफ्टेड बच्चों के अंदर जो रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो मास्टर हो जाती है जल्दी, ठीक। ये मतलब अच्छा खासा पढ़ पाते हैं, अब इनकी जो रीडिंग स्किल होती है वो अच्छी होती है। डेमोंस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज इन मैथ, इनकी जो है मैथ के अंदर जो मैथमेटिक्स के जो अंदर जो इनकी एबिलिटीज होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक। डिस्प्लेस अनयूजुअल एकेडमिक अचीवमेंट, इनके अंदर मतलब ये जो है इनका जो एकेडमिक अचीवमेंट होगा वो भी ठीक ठाक होगा, मतलब अकादमिक जो अचीवमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि फिनिशेस क्लास वर्क क्विकली, ये जो अपने क्लास वर्क को क्विकली मतलब जल्दी से फिनिश कर देते हैं, ठीक। लेकिन लेकिन इज इजीली बोर्ड, लेकिन ये जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये इजीली बोर हो जाते हैं, कैन बिकम डिसरप्टिव इन क्लास, ये जो है क्लासरूम में एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, देखिए आप देखिए सभी तो बच्चे गिफ्टेड बच्चे नहीं होंगे एक क्लासरूम में, तो क्या होगा गिफ्टेड बच्चे के द्वारा जो है नए नए क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, टीचर से पूछेंगे, तो क्या होगा वहां पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्लास में बाधा उत्पन्न होगी। जब गिफ्टेड बच्चा नए नए क्वेश्चंस टीचर से पूछेगा तो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर बाधा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर उस क्लासरूम में सभी तो गिफ्टेड बच्चे नहीं होंगे, अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चे होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बच्चों को वहाँ पर देखा गया होगा, ठीक। तो क्या कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिसरप्टिव कर सकते हैं, मतलब एक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं क्लास में, ठीक। उसके बाद बात करें सोज स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेपिटेटिव एक्टिविटीज एंड मेमोराइजेशन, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं ये मेमोराइजेशन मतलब स्मृति पर मतलब याद करने पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं ये, ठीक। और
ये जो है रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, जिन जिन एक्टिविटीज़ को बार बार दोहराया जाए उन चीज़ों को ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक। इनको पसंद है क्रिएटिवनेस, मतलब नई नई चीज़ों को खोज करें, एक्सप्लोर करें, ठीक, उन चीज़ों के बारे में समझें किस तरीके से इन चीज़ों को कंक्लूड किया जाए, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनका एक इनके जो है कुछ लक्षण है, ठीक। उसके बाद बात करें कंप्लीट्स वर्क क्विकली बट स्लोपिली, ये अपने वर्क को, अपने काम को बहुत ही जल्दी से ये उसका निपटारा कर लेंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ विशेषता हैं गिफ्टेड बच्चों की जो यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे प्रेफर ओल्ड कंपेनियंस और अडल्ट, मतलब इन्हें जो है जो गिफ्टेड बच्चे होंगे इनको अक्सर अपने से बड़ों का साथ अच्छा लगेगा, ठीक। अडल्ट लोगों का इनको जो है साथ अच्छा लगेगा, ठीक। हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। कंसर्न विद जस्टिस एंड फेयरनेस, मतलब इनको क्या है इनके अंदर जो है एक तरीके से सभी को न्याय मिले, एक यह वाली प्रवृत्ति होगी कि सभी को न्याय मिले, ठीक। अगर किसी के साथ न्याय अन्याय हो रहा है तो ये उसके साथ खड़े रहेंगे, ठीक। तो गिफ्टेड बच्चे क्या है एक तरीके से चिंतित होते हैं न्याय को लेकर के, फेयरनेस को लेकर के, ठीक। मोरली सेंसिटिव होंगे, इनके जो है इनके अंदर जो है ईमानदारी, सच्चाई, ये सभी गुण जो है जो मोरल जो वैल्यूज होती है इनके अंदर जो है काफ़ी सारी देखने को मिल सकती हैं, ठीक। नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी जो है हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक। ये सभी जो है गिफ्टेड बच्चे की एक पहचान है। सेंसिटिव फीलिंग्स हर्ट इजीली, ये जो है बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, ठीक। इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही इजीली हर्ट हो सकती हैं, ठीक। परफेक्शनिस्ट, मतलब अगर ये किसी काम को करने बैठ गए तो ये जो है एक तरीके से परफेक्ट रूप से ही उसको तैयार करके बैठेंगे, ठीक। मतलब उसको जो है परफेक्ट रूप से ही करने की कोशिश नहीं करेंगे और ये हालांकि कर ही देंगे, ठीक। हैज़ स्ट्रॉन्ग क्यूरोसिटी, इनके अंदर जो है नई नई चीज़ों के बारे में एक इच्छुक एक जिज्ञासा होती है कि ये अपने ज्ञान को अपने एक्सप्लोर कर सकें एक्टिव होकर के, ठीक। तो और इंटेंस, इनके जो है इनके काम करने में जो है एक गति होगी, ठीक। ये नॉर्मल बच्चों से अपने काम को ज़्यादा क्विकली समझ लेंगे, ज़्यादा क्विकली कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, जैसे मैथ में ये स्ट्रांग होंगे, ठीक। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया वो बहुत अच्छा होगा, और इसकी जो है इनकी जो है ये अपने काम को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से कर लेंगे, ठीक। ताकि इन्हें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, एक तरीके से बोल सकते हैं कि नए नए क्वेश्चंस उठाएंगे ये क्लासरूम में, ठीक। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं गिफ्टेड बच्चों की, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन, कुछ रणनीतियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ शैलियाँ यहाँ पर बताई गई हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन के लिए। एनरिच्ड करिकुलम, यहाँ पर पहली की बात करें तो एनरिच्ड करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर एडेड एक्स्ट्रा करिकुलम, मतलब गिफ्टेड बच्चों के लिए क्या किया जाए कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं, ताकि वो ये बोर फील ना करें, उनको जो पुरानी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपीट ना करना पड़े, उनके लिए नई नई एक्टिविटीज़ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिकुलम में जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद ग्रेड एसिलेशन टू स्किप जंप एनी क्लास, आप क्या कर सकते हैं इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, इनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इनको या तो कोई क्लास जंप करा सकते हैं, ठीक, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप मान कर चलिए कोई बच्चा फोर्थ क्लास में है तो उस फोर्थ क्लास को तो वो अच्छे तरीके से समझ लेता है, अच्छे उस फोर्थ क्लास के वर्क को वो अच्छे तरीके से बहुत इजीली वो अपना कर लेता है ख़त्म, ठीक। उसको जो है उस फोर्थ क्लास के साथ साथ आप फिफ्थ क्लास का भी कोर्स पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप ग्रेड एसिलेशन कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप तो या तो एक बोल सकते हैं कि क्लास को जंप करा दीजिए, अगर बच्चा फोर्थ है तो फोर्थ को दाग मतलब फिफ्थ को दाग करके सिक्स्थ में करा सकते हैं आप, ठीक। तो ये हो गया हमारा ग्रेड एसिलेशन, ये जो है गिफ्टेड बच्चे के केस में ही होगा, ठीक। बात करें यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर बच्चों को नई नई चीज़ों को नई नई चीज़ों को खोजने के लिए, नई नई नवाचार को प्रमोट करने के लिए उन इन गिफ्टेड बच्चों को, ताकि इनकी जो बुद्धि है खुल सके, ठीक। बोल सकते हैं कि इनकी जो बुद्धि है खुल सके, सभी आयामों में ये एक पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, ठीक। इसलिए इनको स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराई जानी चाहिए ताकि इनकी क्षमता को निखारा जा सके, ठीक। उसके बाद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बाय सेल्फ, इनको जो है खुद से सीखने के लिए इन गिफ्टेड बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करें, और इनके अंदर ये एक क्वालिटी तो होगी ही होगी कि ये बच्चे अपने से खुद से कर करके सीख सकें, ठीक। तो क्या है ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी एक तरीके से बहुत ही प्रमोट कर सकते हैं गिफ्टेड बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निखारने के लिए, ठीक।
एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं आप। एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब योग्यता के अनुसार आप समूहीकरण कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है दो भाग, दो मतलब दो टाइप के ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, जैसे होमोजीनियस और हेटरोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप कैसे, होमोजीनियस जो ग्रुप होता है, होमोजीनियस ग्रुप में क्या होता है, चिल्ड्रन विद सेम एबिलिटी इन अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में सेम एबिलिटीज के बच्चों को शामिल किया जाएगा, वो होगा होमोजीनियस ग्रुप। क्या होगा होमोजीनियस ग्रुप? होमोजीनियस ग्रुप में जिन बच्चों में सेम एबिलिटीज होंगी, जिनमें सेम क्षमताएं होंगी, उनको एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा, उसको होमोजीनियस ग्रुप कहा जाएगा, ठीक। ये जो है ये सूटेबल होता है, ये सूटेबल होता है, होमोजीनियस ग्रुप जो है सूटेबल होता है गिफ्टेड बच्चों के लिए। क्यों होता है सूटेबल? क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी जो क्षमता होती है ये नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है, तो इसलिए अगर इन बच्चों को अपने अपने जैसे ही बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इनकी जो लर्निंग होगी वो ज्यादा शिखर तक पहुंच पाएगी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें हेटरोजीनियस ग्रुप की, जिसे हम हिंदी में विषम समूहीकरण बोलेंगे, ठीक। चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटी इन अ ग्रुप, हेटरोजीनियस ग्रुप में क्या होता है, अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चों को इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, फॉर डाइवर्स लर्नर, मतलब अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चों के लिए जो है हेटरोजीनियस जो ग्रुप है वो अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें थ्री रिंग्स ऑफ रेंजुली मॉडल, मतलब रेंजुली का एक मॉडल है जिसमें इन्होंने थ्री रिंग्स दिए हैं, जो गिफ्टेड बच्चों के अंतर्गत जो कुछ एबिलिटीज़ हैं इनके बारे में इन्होंने बताया है कि रेंजुली के मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है तीन कॉमन एबिलिटीज़ बताई है कि बच्चों में ये तीन कॉमन एबिलिटीज़ होती हैं। द चिल्ड्रन विद गिफ्टेड बिहेवियर विल हैव द थ्री एबिलिटीज़, इन्होंने कहा है रेंजुली के मॉडल के अकॉर्डिंग गिफ्टेड बच्चों के अंदर जो है ये तीन एबिलिटीज़ मुख्य रूप से होती ही होती है, ठीक, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आगे। जैसे एक हो गया, एक है अबव एवरेज एबिलिटीज़, और मतलब अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी, और तीसरा है टास्क कमिटमेंट। क्या है तीसरा, क्या है टास्क कमिटमेंट। जिन बच्चों के अंदर अबव एवरेज एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी की क्षमता होगी और टास्क कमिटमेंट करने की क्षमता होगी, तो वो बच्चे जो है गिफ्टेड बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रंस के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये सभी क्या है, ये यहाँ जो बच्चे होंगे जिनके अंदर जो है क्रिएटिविटी भी है, अबव एवरेज एबिलिटी भी है, टास्क कमिटमेंट करने की क्षमता भी है, तो इन सभी बच्चों को जो है गिफ्टेड बच्चे माना जाएगा। यहाँ पर जो मैंने ये जो कर दिया है, ये सभी जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंतर्गत आएंगे। अबव एवरेज एबिलिटी की बात कर लेते हैं, अबव एवरेज एबिलिटी की बात करें तो अबव एवरेज एबिलिटी वो होगी जो एबिलिटीज मतलब एबिलिटीज जो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा, बोल सकते हैं कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एबिलिटीज वाले बच्चे जो है उन वो जो है गिफ्टेड गिफ्टेड चिल्ड्रंस की श्रेणी में रखे जाएंगे, सीरीज में रखे जाएंगे, ठीक। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की बात करें तो इन बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी होगी, सृजनात्मकता होगी, नई नई चीज़ों को, नवाचार को प्रमोट करने की क्षमता इनके अंतर्गत होगी, ये नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक, नए नए तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे, अपने 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 जो विचार होंगे उनको भी काम में अपने मतलब जो काम ये कर रहे हैं अपने विचारों को भी उसको मतलब अपने विचारों को भी ये मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें नवाचार को प्रमोट किया जा सके, अपनी बुद्धि का भी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनके जो विचार होंगे उनमें ओरिजिनलिटी मिलेगी, मतलब मौलिकता मिलेगी, इनके खुद के विचार होंगे वो, ठीक। उसके बाद टास्क कमिटमेंट करने की क्षमता होगी, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा कि मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक किसी काम को ये पूरा कर नहीं लेंगे तब तक ये चैन से बैठने वाले हैं नहीं। गिफ्टेड बच्चों के अंदर ये जो है रेजुले के अकॉर्डिंग एक तीसरा गुण है, वो है टास्क कमिटमेंट करने की क्षमता, मतलब इनके अंदर जो है अगर ये किसी कार्य को करने बैठ गए तो वो पूरा कर ही दम लेंगे, ठीक। हो गया हमारा थ्री रिंग मॉडल ऑफ रेजुली, ठीक, इसको आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये होंगे हमारी आज की वीडियो, ये पार्ट वन लेकर आए हैं हम। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आने वाली वीडियोस हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ देख लीजिए, ये जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई रखी है वो भी बहुत ही प्यार तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर समझाई है, डिटेल में समझाई है, ठीक, तो उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। और ये केवीएस स्पेशल क्लासेस हम ला रहे हैं, मतलब चला ही रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है हम पहले इस इंक्लूसिव एजुकेशन की जो यूनिट है इस पूरी को कंप्लीट करने के बाद हम जो लाने वाले हैं वो केवीएस स्पेशल, मतलब केवीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर जो है पार्ट फोर और पार्ट फाइव जो होगा उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहले जो है हम पहला जो पार्ट है वो उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन हम पार्ट फोर और पार्ट फिफ्थ को हम पूरा यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर वीडियो को प्रोवाइड हम कराएंगे, ठीक। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर
शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।